रिएक्शन पे कूदने से पहले अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन पुश करो, खुश रहो। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज यहाँ पे फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है टाइगर 3 सलमान खान की मूवी की। दोस्तों ये आ रही है 21st of April 2023। एक मिनट का इन्होंने कोई वीडियो टाइप डाला है जिसमें ये अनाउंसमेंट है, वैसा ही है जैसा पठान का था जहां पे हमें SRK की लुक देखने को नहीं मिली थी। तो रेडी मैं श्योर की यहाँ पे भी हमें सलमान खान की लुक देखने को नहीं मिलने वाली है। दोस्तों ये बाकी कुछ होने वाला है तो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। बट स्टार्टिंग फीचर जो कैटरीना कैफ की नजर आ रही है, तो कैटरीना कैफ की आई थिंक इस टीजर में होने वाली है और लेट्स सी कि इसमें क्या है, एक्शन के मूड में नजर आ रही है। मेरा तो पर्सनली यही मानना है कि नहीं होने वाले हैं, लेट्स सी, होने तो मजा ही आ गया भाई साहब। सो हियर वी गो। ये कौन है साथ में? ये तो एड लग रही है किसी चीज की। हाँ बात भी सही, बैकग्राउंड में इस तरह के वाओ एक्शन, थोड़ा सिनेरियो वॉर के एंडिंग जैसा है आगे पीछे। आई थिंक ये तैयारी बता रहे हैं। ये कौन है? अरे यार ये इनके एक्शन वाले होंगे ना जो। क्या बात है, ये फर्स्ट वाली टीम लग रही है से, बिल्कुल पहले वाली। अरे थोड़ी मॉडिफिकेशन, अरे इतना तो चलता ही है। प्रैक्टिस चल रही है भाई। क्या बात है। नाइस ब्रो, क्या बात है भाई साहब। टाइगर ऑलवेज रेडी। ओहो हो हो, मजा आएगा भाई साहब। क्या बात है, मजा आएगा। डायरेक्टर मनीष शर्मा। बिल्कुल भाई, 21st हिंदी तमिल तेलुगु, एक साल से भी ज्यादा का टाइम है। काफी पहले अनाउंसमेंट है लेकिन इतना भी काफी है यार फैंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी उम्मीदें चल रही होती हैं कि कुछ मूवी से इतनी लाइक न्यूज़ वगैरह आउट होती हैं ये वो, तो जब तक ऑफिशियली अनाउंस ना हो जाए वो चीज, एक्टर खुद आके बोलना नहीं, तब तक वो फिर वो मजा नहीं आता। सो एंड यार सबसे बड़ी बात जो है और सबसे बेनिफिट की बात जो है वो है यशराज फिल्म्स के लिए, मतलब दोनों मूवीज जो है वो इन्हीं के पास है, टाइगर सीरीज एंड नाउ पठान सीरीज, और दोनों जो है वो नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ा धमाका करने वाली है, इतना सबको पता है, चाहे वो सलमान खान के फैंस हो या SRK के फैंस हो, मतलब दोनों मूवीज भयंकर कमाई करेंगी और ब्लॉकबस्टर होंगी, ये तो डेफिनेटली पता है, और दोनों जो है वो यशराज के जो है वो खाते में जाने वाली है, और आदित्य चोपड़ा इज द प्रोड्यूसर एंड मनीष शर्मा ने ये डायरेक्ट की है। इससे पहले अली अब्बास सफर ने डायरेक्ट की थी टाइगर जिंदा है, और बहुत बढ़िया मूवी थी यार। उस मूवी का क्या स्केल था, क्या बजट था यार, इतनी बिग बजट और धमाकेदार एक्शन उसमें, एंड इस मूवी में भी जो है वो एक्शन उसी लेवल का होने वाला है, मतलब हॉलीवुड लेवल का होने वाला है, इंटरनेशनल लेवल का होने वाला है, बहुत बढ़िया स्केल पे मूवी बनती है। एंड टाइगर की सलमान खान की ये टाइगर सीरीज जो है वो ऑलवेज यार मतलब बेस्ट रही है एक्शन के मामले में, कमाने के मामले स्टैंडर्ड, कमाती तो उनकी हर कोई मूवी है लेकिन ये सीरीज लाइक थोड़ा हटके है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, एकदम मजेदार। एंड रूमर्स हैं या क्या है आई डोंट नो, बट ऐसा सुना था मैंने कि इमरान हाशमी जो है वो विलेन है इस मूवी में, एंड उनको भी स्टारकास्ट किया हुआ है इसमें। सो इफ दिस इज ट्रू यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। खैर यहाँ पे तो कोई मेंशन नहीं है और ऑब्वियसली ये वीडियो में भी नहीं थे, टाइटल में भी मेंशन नहीं है, तो क्या पता हमारे लिए सरप्राइज है। क्या लगेगा कि पठान मूवी ज्यादा कमाई करने वाली है, ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी, या सलमान खान की ये टाइगर 3 सीरीज जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सी मूवी जो है वो आपको लगता है कि ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। SRK का कमबैक है एंड सलमान खान की ये जो सबसे सक्सेसफुल सीरीज रही है, वन ऑफ द सक्सेसफुल सीरीज टाइगर सीरीज, उस मूवी की थर्ड इंस्टॉलमेंट है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, और हमें तो मजा खास जो है वो इतना नहीं आया कि आई थॉट कि सलमान खान भी कुछ एक्शन एक्शन करेंगे इसमें, अगर सलमान खान की झलक तो दिखी गई है, एंड देखने में इतना काफी था, अनाउंसमेंट के लिए, अनाउंसमेंट के लिए इतना काफी था यार, परफेक्ट। तो ओवरऑल यार मजा आ गया एंड आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा हमारे साथ डेट अनाउंसमेंट ऑफ टाइगर 3 जो कि एक साल से भी ज्यादा अभी टाइम है। अगर एंजॉय किया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। जय हिंद।